डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास फिफ्थ मैथ रिव्यू एक्सरसाइज पेज 76 पे सम करेंगे 13th एंड 14th। 13th सम है स्टूडेंट्स, डिवाइड द फॉलोइंग। ए पार्ट, 12 डिवाइड 4 बाई 5। अब इसमें फर्स्ट स्टेप क्या होगा, 12 का डिनोमिनेटर नहीं दिया तो 12 बाई 1 लिखेंगे। डिवीजन के सम को, डिवीजन के साइन को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे। डिवीजन की जगह जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसके बाद जो फ्रैक्शन लिखी होती है उसका मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स लिखेंगे। मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स क्या होता है, जो इसका डिनोमिनेटर है उसको तो हम नंबरेटर बना देंगे और नंबरेटर को डिनोमिनेटर। अब जैसे हमने मल्टीप्लाई के सम किए थे सेम वैसा ही होगा। ये इस 4 से ये 12 कैंसिल होता है, करना है 4 वन जा 4, 3 जा 3, 5 जा 15 और डिनोमिनेटर दोनों का 1 है तो वो नहीं लिखा जाएगा। बी पार्ट, 24 डिवाइड 10 बाई 13। 24 को हम क्या लिखेंगे, 24 बाई 1, इसको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 13 बाई 10। अब ये 2 की टेबल से कैंसिल होते हैं, 2, 5 जा और 2 बन जा 2, 2 जा 13 की और 12 की मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगी, 13 2 जा 26 और 13 बन जा 13, 13 में 2 ऐड किया 15 बाई 5, जो कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसको मिक्स में कन्वर्ट करो। 156 को 5 से डिवाइड करो, 5 3 जा 15, कुछ नहीं बचा है, उतारा 6, 5 बन जा 5, बचा 1, ये 1 यहाँ और 5 यहाँ, इसको हम लिखेंगे 31 इंटू 1 बाई 5। नेक्स्ट 5 बाई 8 मल्टीप्लाई 9 बाई 7। डिवीजन की जगह मल्टीप्लाई का साइन करते क्या करोगे, जो इसके बाद वाले फ्रैक्शन है उसका मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स लिखना है, यानी कि उसका जो डिनोमिनेटर है वो नंबरेटर बना दिया और नंबरेटर को डिनोमिनेटर। अब ये सेम मल्टीप्लाई का सम है, किसी भी डिनोमिनेटर से कोई भी नंबरेटर अगर कैंसिल होता है तो करना है, नहीं तो नंबरेटर की नंबरेटर से मल्टीप्लाई और डिनोमिनेटर की डिनोमिनेटर से। 5 9 जा 45 और 8 7 जा 56, ये आंसर एज इट इज रहेगा क्योंकि ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। बी पार्ट, 11 बाई 12 मल्टीप्लाई 4 बाई 3। अब इस 4 से ये कैंसिल होता है, करना है 4 3 जा 12। अब 11 की और 1 की मल्टीप्लाई 11, 3 की और 3 की मल्टीप्लाई 9, जो कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसको मिक्स में कन्वर्ट करो। 11 को 9 से, 9 बन जा 9, बचे 2, 2 यहाँ और 9 यहाँ, इसको लिखेंगे 1 इंटू 2 बाई 9। नेक्स्ट 10 5 जा 50, 50 में 1 ऐड किया 51, इसमें फर्स्ट स्टेप क्या होगा, मिक्स को इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करना। डिवाइड, इसको लिखेंगे 16 बाई 1, क्योंकि इसका डिनोमिनेटर दिया ही नहीं था तो हमने 1 अपनी तरफ से लिख दिया। अब 51 बाई 10 मल्टीप्लाई 1 बाई 16, यहां मल्टीप्लाई का साइन करते इसका रेसिप्रोकल या मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स लिखना होता है। अब देखो सेम टेबल से अगर कोई भी नंबरेटर से कोई भी डिनोमिनेटर कैंसिल होता है तो करना है, इसमें कुछ कैंसिल नहीं होता, तो 51 को 1 से किया 51 और 10 को 16 से किया तो 160, जो कि प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसलिए एज इट इज रहेगी। एफ पार्ट, 3 3 जा 9, 9 में 2 ऐड किया 11 बाई 3 डिवाइड 6 बाई 1। नेक्स्ट स्टेप 11 बाई 3 मल्टीप्लाई 1 बाई 6, इसमें भी किसी भी नंबरेटर से कोई डिनोमिनेटर कैंसिल नहीं होता तो नंबरेटर की नंबरेटर से मल्टीप्लाई और डिनोमिनेटर की डिनोमिनेटर से। 11 बाई 18 जो कि प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसलिए एज इट इज रहेगा ये आंसर। अब जी पार्ट करते हैं। जी पार्ट स्टूडेंट्स, 4 इंटू 4 बाई 5 डिवाइड 7 बाई 15।
मिक्स को इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करते हैं। 5 फोर जा 20, 20 में 4 ऐड किया 24 बाई 5, ये मल्टीप्लाई कर दो तो ये 15/7 हो जाएगा। अब देखो 5 की टेबल से कैंसिल होता है, इसको कर दो 5 बन जा 5 थ्री जा, और कुछ कैंसिल नहीं होता। 24 थ्री जा 72/7 जो कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसको मिक्स में कन्वर्ट करो। 7 × 7 कुछ नहीं बचा, उतारा 2 नहीं गया तो 0 चलाई। 10 × 2/7 एच पार्ट मिक्स फ्रैक्शन है, पहले इनको इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करो दोनों। 16 × 2 = 32 में 3 ऐड किया 35/16 डिवाइड 8 × 5 = 40 में 1 ऐड किया 41/8। अब नेक्स्ट स्टेप 35/16 मल्टीप्लाई 8/41, अब 8 से कैंसिल होता है, 8 × 1 = 8 × 2 और किसी भी टेबल से कुछ कैंसिल नहीं होता, नहीं हो गया। 35 को 1 से किया 35 और 41 को 2 से किया तो 82 जो कि प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसलिए एज इट इज रहेगी। 14 सम फिल इन द ब्लैंक्स। द मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ 5/6 इज, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स क्या होता है, डिनोमिनेटर को नमरेटर बना दो और नमरेटर को डिनोमिनेटर, तो 5/6 का क्या हो जाएगा 6/5। द नंबर हुज मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स इज द नंबर इटसेल्फ इज, वो नंबर कौन सी है जिसका मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स वो नंबर स्वयं होती है, तो वो होता है 1 और -1, या तो 1 हो या -1 हो, दोनों का ही मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स सेम रहेगा, 1 का 1 आएगा और -1 का -1 आएगा। द मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ ए प्रॉपर फ्रैक्शन इज ए, अगर प्रॉपर फ्रैक्शन होगी तो उसका मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स क्या आएगा, इम्प्रॉपर। जैसे देखो इसमें ये प्रॉपर फ्रैक्शन थी, इसका मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स किया तो ये इम्प्रॉपर आ गई। थर्टीन बाई नाइनटीन को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 13/19 ही आएगा, क्योंकि 1 से किसी को मल्टीप्लाई करे तो वो नंबर एज इट इज रहती है, नंबर हो या फ्रैक्शन हो। 9/11 को कितने से डिवाइड करें कि 9/11 ही आ जाए, तो 1 से डिवाइड करते हैं तो नंबर एज इट इज रहती है। 2 × 3/8 + 3 × 1/16 का आंसर क्या आएगा, तो ये करके देखना पड़ेगा। इसको पहले इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करो, 8 × 2 = 16 में 3 ऐड किया 19/8 + 16 × 3 = 48 में 1 ऐड किया 49/16। अब इनका डिनोमिनेटर सेम नहीं है और प्लस और माइनस में डिनोमिनेटर सेम करना जरूरी है जब भी हम इनका इनको ऐड कर सकते हैं, तो इसका हम क्या करेंगे, 19/8 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो और इसको रहने दो ऐसे ही। अब अगला स्टेप क्या होगा, ये हो गया 38/16 और ये है 49/16, ये कॉमन हो गया। अब 38 + 49 = 49 में अगर 48 कर दिया तो 89 में से 2 माइनस कर दो 87/16। अब इसको मिक्स में कन्वर्ट करो, 16 × 5 = 80 बचे 7, ये 7 यहाँ और 16 यहाँ, तो क्या आएगा 5 × 7/16 इसका आंसर आएगा स्टूडेंट्स। इसी के साथ अपना 14 सम कंप्लीट हो गया। आज के वीडियो में हम इतना ही करेंगे।